तो देखो, ये जितने भी केसेस हैं वो केवल यही कहते हैं, एक्यूज्ड पर्सन अगर सेम ऑफेंस के रिस्पेक्ट में अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई कन्फेशन करता है जो उसे अफेक्ट करता है, साथ ही साथ बराबर तौर पे उसके को एक्यूज्ड को भी अफेक्ट करता है, अगर वो कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है तो कोर्ट उस कन्फेशन को एक्यूज्ड के अगेंस्ट तो कंसिडर करेगी ही, लेकिन उस को एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी कंसिडर करेगी, लेकिन ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए सभी एक्यूज्ड पर्सन्स का सेम ऑफेंस में। एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 30 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कन्फेशन से जुड़े सेक्शंस, सेक्शन 24 से लेकर के 29 तक के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें अच्छे से समझ लिया है। हमने ये जाना है कि हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से, और सेक्शन 31 भी डील करता है एडमिशन से। सेक्शन 30 क्या कहता है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑपरेट करते हैं स्टॉपल की तरह, बट मे ऑपरेट एज स्टॉपल। ठीक है, तो सेक्शन 31 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने सेक्शन 24 से लेकर के 29 तक के जो भी प्रोविजंस हैं जो कन्फेशन से डील करते हैं उन्हें डिटेल में समझा है, एक एक सेक्शंस को हमने एकदम डीप में समझा है। ठीक है, आज हम कन्फेशन से जुड़ा जो लास्ट सेक्शन है विच इज सेक्शन 30 उससे डील करेंगे। तो ये वीडियो कन्फेशन के ऊपर लास्ट वीडियो है, राइट। चलिए, देखो सेक्शन 30 क्या कहता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन, ध्यान समझो, कंसिडरेशन मीन्स टू कंसिडर समथिंग राइट, यानी विचार में लेना। तो सेक्शन 30 क्या कहता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। हम प्रूव्ड कन्फेशन को ऐसे कन्फेशंस जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुके हैं उन्हें कंसिडर कर रहे हैं, उन्हें विचार में ले रहे हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन आगे कह रहा है, अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट तो accused person अगर confession करता है और वो confession उसे affect करता है, right? और वो confession क्या है, proved confession है, तो हम उसे consider करते हैं। आगे क्या कहता है, consideration of proved confession affecting person making it, यानी accused person and others यानी उसके co-accused jointly under trial
फॉर सेम ऑफेंस। अब ऐसे समझो, मान लो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस में, किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस में एक से ज्यादा पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट था, यानी एक से ज्यादा एक्यूज्ड पर्सन्स थे। तो अगर मान लो ये एक्यूज्ड पर्सन है, इफ पर्सन ए इज एन एक्यूज्ड, तो ये जो पर्सन बी सी डी है वो कौन है? को एक्यूज्ड है, सह अपराधी है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस में अगर चार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर कोई एक ऑफेंडर कन्फेशन करता है अपने क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, और वो कन्फेशन उसे तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ ही साथ उसके जो को एक्यूज्ड हैं उन्हें भी बराबर अफेक्ट करता है, और वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है। और एक बात, इन चारों ऑफेंडर्स का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है, यानी एक साथ ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस में, तो उस प्रूव्ड कन्फेशन को हम कंसीडर करेंगे, राइट। आइए इसे हम और भी सिंप्लीफाई करके समझते हैं। देखो, सेक्शन 30 क्लियरली ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में एक से अधिक पर्सन्स अगर एक्यूज्ड हैं और सभी का एक साथ ट्रायल चल रहा है, ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, तो एक एक्यूज्ड पर्सन अगर कन्फेशन करता है तो ये कन्फेशन उसके अगेंस्ट तो है ही। जैसे हमने समझा था, एडमिशंस कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट, सेम उसी मैनर में कन्फेशन हमेशा मेकर के अगेंस्ट होता है। तो एक्यूज्ड पर्सन अगर कोई ऑफेंस के रेफरेंस में कन्फेशन करता है तो ये उसके अगेंस्ट तो है ही, साथ ही साथ उसके को एक्यूज्ड के भी अगेंस्ट है। और यदि उसका कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है तो ये रेलेवेंट माना जाएगा, ये कन्फेशन ना केवल उसके अगेंस्ट होगा बल्कि उसके को एक्यूज्ड के भी अगेंस्ट माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उन चारों एक्यूज्ड पर्सन्स का ट्रायल एक साथ होना चाहिए, सेम ऑफेंस में होना चाहिए, राइट। चलो, अब जैसे मान लो एक्यूज्ड कहता है कि उसके फ्रेंड भी इन्वॉल्व थे उसके साथ क्राइम में, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिल करके इस क्राइम को अंजाम दिया, तो अगर उसका कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है एविडेंसेस के बेसिस पर, तो उसका कन्फेशन उसके अगेंस्ट तो है ही, साथ ही उसके साथियों के भी अगेंस्ट है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? इन चारों को एक्यूज्ड का, उन चारों एक्यूज्ड पर्सन्स का एक साथ ट्रायल होना चाहिए सेम ऑफेंस के लिए, राइट। तो देखो, सेक्शन 30 कहता है व्हेन मोर पर्सन्स देन वन, जब एक से ज्यादा पर्सन्स आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर सेम ऑफेंस, एक से ज्यादा पर्सन्स का जब ट्रायल होता है एक साथ, ज्वाइंट ट्रायल होता है सेम ऑफेंस के लिए, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स, और उन पर्सन्स में से कोई एक पर्सन कन्फेशन करता है जो उसे इम्पैक्ट तो करता ही है, एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन्स इज प्रूव्ड, तो वो कन्फेशन उसे इम्पैक्ट करता है साथ ही साथ अदर पर्सन्स को भी अफेक्ट करता है, और अगर वो कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन
सच कन्फेशन, तो कोर्ट उस कन्फेशन को कंसिडर करेगा एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन्स एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स कन्फेशन, तो कोर्ट उस कन्फेशन को अगेंस्ट द मेकर और उन सभी पर्सन्स के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर लेगा जो उसके द्वारा किए गए कन्फेशन से अफेक्ट होते हैं, राइट तो ये है सेक्शन 30। अब देखो, यानी मान लो सिंपल एक पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसमें चार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, राइट चारों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है सेम ऑफेंस के लिए। अगर एक अक्यूज्ड पर्सन अपने गिल्ट को कन्फेस करता है तो उसका वो कन्फेशन अदर तीन पर्सन्स को भी, उसके अदर थ्री को एक्यूज्ड को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर उसका कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है तो ये उसके अगेंस्ट तो होगा ही, साथ ही उसके को एक्यूज्ड पर्सन्स के भी अगेंस्ट माना जाएगा। कोर्ट उसके और उसके को एक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट उस कन्फेशन को कंसिडर करेगा, यही कहता है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। अब कह रहा है ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो अपराध है उसका मतलब अबेटमेंट से है, मतलब दुष्प्रेरण या अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है। तो ऑफेंस मीन्स व्हाट, अबेटमेंट, आपने किसी को दुष्प्रेरित किया, आपने किसी पर्सन को एनकरेज किया कि तुम ये काम कर दो, और अटेम्प्ट टू कमिट, आपने उस चीज को कराने में मदद किया। तो ऑफेंस मीन्स दीज टू, पहला अबेटमेंट, दूसरा अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, राइट। अब देखो हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अब जैसे मानो ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ सी, ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल हुआ है फॉर सीज मर्डर, तो सी के हत्या के आरोप में ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल हुआ है। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड, ये प्रूव्ड हो जाता है जो ए ने कहा था कि बी एंड आई मर्डर्ड सी। तो मान लो ए ने ये कहा था, ए ने ये कन्फेशन किया था कि बी और मैं, हम दोनों ने मिलकर सी का मर्डर किया था, बी एंड आई मर्डर्ड सी, ये प्रूव्ड हो जाता है। कोर्ट मे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। अब क्योंकि ए का ये कन्फेशन ए को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ बी को भी अफेक्ट कर रहा है, और ये कन्फेशन प्रूव्ड हो जा रहा है, तो कोर्ट इस कन्फेशन को बी के भी अगेंस्ट कंसिडर करेगी, राइट। लेकिन इन दोनों ही पर्सन्स का ट्रायल एक साथ होना चाहिए, ज्वाइंट ट्रायल, राइट। अब देखो दूसरा, ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, ए सी के मर्डर के लिए ए का ट्रायल होता है, ए मर्डर्ड सी, ट्रायल ऑफ ए बिगेन, ए ने सी का मर्डर किया और ए का ट्रायल शुरू होता है। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाई ए एंड बी, यहाँ पे सफिशियंट एविडेंसेस हैं कि ए और बी ने मिल करके सी का मर्डर किया है, एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी,
और मान लो बी ये कहता भी है कि ए और उसने मिल करके सी का मर्डर किया है, दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इंटू कंसिडरेशन बाई द कोर्ट अगेंस्ट ए। तो ये जो स्टेटमेंट है बी का, उसे कोर्ट ए के अगेंस्ट कंसिडर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल नहीं हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 विच मैंडेट्स ज्वाइंट ट्रायल, राइट? तो समझ में आया, ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए। अब मान लो ए का सेपरेट ट्रायल हो रहा है, ठीक है, बी का सेपरेट ट्रायल हो रहा है फॉर सेम ऑफेंस के लिए, हमारे पास सफिशियंट एविडेंसेस हैं कि ए और बी ने ही मिलकर सी का मर्डर किया है, यहां तक कि बी कन्फेस कर देता है कि उसने और ए ने मिलकर के सी का मर्डर किया, लेकिन फिर भी इसे कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही एक्यूज्ड पर्सन्स का ट्रायल सेपरेट हुआ है, ज्वाइंट ट्रायल नहीं हुआ, राइट? चलो, सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 30? सेक्शन 30 के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? पहला, ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए। दूसरा, फॉर सेम ऑफेंस के लिए। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड शुड बी कन्फेशन। दूसरे, सह अपराधी का जो स्टेटमेंट होगा वो कन्फेशन होगा, कन्फेशन होना चाहिए। स्टेटमेंट टेंड टू इम्प्लीकेट इक्वली, शोइंग इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, ठीक है। स्टेटमेंट टेंड टू इम्प्लीकेट इक्वली, यानी वो जो स्टेटमेंट है कन्फेशन के फॉर्म में को एक्यूज्ड के द्वारा, वो दूसरे को एक्यूज्ड के इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम को शो करता हो, राइट? अब आई थिंक सेक्शन 30 क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ केसेस हम देख लेते हैं। जैसे ये सभी केस लॉज आपके बेयर एक्ट में दिए हैं, ठीक है, बेयर एक्ट आप पढ़ना, ये सेक्शन 30 के जितने भी प्रोविजंस हैं लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस आप वीडियो एंड तक देखते जाओ। सबसे पहला केस, भुवनी साहू वर्सेस किंग। इस केस में क्या था? इट वॉज हेल्ड दैट अ कन्फेशन कैनॉट बी अ बेसिस ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ को एक्यूज्ड बट कैन सपोर्ट अनदर एविडेंस, ठीक है। तो भुवनी साहू वर्सेस किंग के केस में ये कहा गया कि जो कन्फेशन है कैनॉट बी अ बेसिस ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ को एक्यूज्ड। तो अगर एक एक्यूज्ड पर्सन अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कन्फेशन करता है तो ये जो कन्फेशन है वो कॉन्विक्शन का बेसिस नहीं हो सकता है, यानी इस पर्टिकुलर कन्फेशन के बेसिस पर को एक्यूज्ड कॉन्विक्ट नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कन्फेशन नीड्स सपोर्ट ऑफ अदर एविडेंसेस। कन्विक्शन मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन गिवन बाय को एक्यूज्ड इज वीक पीस ऑफ एविडेंस। क्या है? वीक पीस ऑफ एविडेंस। इट नीड्स कोरोबोरेशन विथ एविडेंसेस सपोर्टिंग हिज गिल्ट। तो ये जो भी कन्फेशन दिया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा अगेंस्ट हिज को एक्यूज्ड, इट नीड्स कोरोबोरेशन विथ अदर एविडेंसेस, यानी हमें अदर एविडेंसेस से लिंक करके ये देखना है कि क्या ये जो भी कन्फेशन कर रहा है अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। इसलिए देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पहला लाइन है वो यही कहता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। ऐसा कन्फेशन
जो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। दूसरा केस कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इट वॉज हेल्ड दैट एक्यूज्ड पर्सन शुड नॉट बी कॉन्विक्टेड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर डेथ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अनकोरोबोरेटेड कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। तो सिंपल, अगर एक्यूज्ड पर्सन का जो भी कन्फेशन है, एक्यूज्ड पर्सन का कन्फेशन अगर कोरोबोरेट नहीं किया गया है अदर एविडेंसेस से लिंक करके, उसके कन्फेशन को प्रूव्ड नहीं किया गया है, तो ये कन्फेशन भले ही उसके को एक्यूज्ड को अफेक्ट करता हो, लेकिन इस एक्यूज्ड पर्सन के कन्फेशन के बेसिस पर को एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं ग्रांट किया जाएगा, जब तक कि उसका जो कन्फेशन है वो कोरोबोरेट नहीं किया जाता है अदर एविडेंसेस से। मीन्स हिज कन्फेशन मस्ट इन ऑल केसेस बी प्रूव्ड, राइट। तीसरा केस क्या है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस कुट्टी। देखो, इट वॉज हेल्ड दैट अ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड कैनॉट बी corroborated by confession of another one. Right, तो ये केस है। फिर क्या केस है हमारा, श्री शैल नागेश पराय versus state of Maharashtra. It was held that conviction may be based upon confession if it is corroborated. यानी जो भी केसेस हैं वो केवल यही कह रहे हैं, एक्यूज्ड पर्सन अगर कन्फेशन करता है अपने और अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो इट नीड्स कोरोबोरेशन विथ अदर एविडेंसेस, राइट। अब भुवनी साहू वर्सेस एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल आल्सो हेल्ड दैट कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, एक एक्यूज्ड पर्सन का जो कन्फेशन है अगेंस्ट को एक्यूज्ड इज नॉट एविडेंस इन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टर्म। तो एक्यूज्ड का कन्फेशन उसके को एक्यूज्ड के अगेंस्ट ये एविडेंस नहीं है इन ऑर्डिनरी सेंस, बिकॉज इट डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ एविडेंस इन सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये जो कन्फेशन है एक्यूज्ड का को एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ये एविडेंस के मीनिंग में नहीं आता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन ओथ, क्योंकि कोई शपथ लेकर के वो नहीं कहता है, एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन ओथ पर नहीं देता है। दूसरा, नॉर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, ना ही उस को एक्यूज्ड के प्रेजेंस में कन्फेशन देता है, नॉर इट कैन बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, ना ही इसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मच वीकर टाइप ऑफ एविडेंसेस एंड मस्ट बी कोरोबोरेटेड विथ अदर एविडेंसेस प्रूविंग हिज गिल्ट। तो देखो, ये जितने भी केसेस हैं वो केवल यही कहते हैं, एक्यूज्ड पर्सन अगर सेम ऑफेंस के रेस्पेक्ट में अपने को एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई कन्फेशन करता है जो उसे अफेक्ट करता है, साथ ही साथ बराबर तौर पे उसके को एक्यूज्ड को भी अफेक्ट करता है, अगर वो कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है तो कोर्ट उस कन्फेशन को एक्यूज्ड के अगेंस्ट तो कंसिडर करेगी ही, लेकिन उस को एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी कंसिडर करेगी
लेकिन ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए सभी एक्यूज पर्सन का सेम ऑफेंस में, ठीक है। यह था सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसे हमने डिटेल में समझा, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।